इंजीनियर है तो मेडिसिन में साइंस में ज़्यादा हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये तो नेचुरल के ओर है, तो इसमें आपको कैसे विश्वास हुआ कि विदाउट मेडिसिन कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रताप जी ने। तो मेरी, जैसे मैंने बताया, मेरा सोराइसिस का जो रोग है वो 25-30 साल पुराना है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रयोग किए थे और उससे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलता था, लेकिन परमानेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उसके साथ में मेरा पहले से ही अभिगम रहा था कि कम से कम दवाई तो लेना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरोपैथी के नेचुरल डाइट से हमको क्योर करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये इसके लिए भी मेरा यही अभिगम था। साथ में मैं एक योगा टीचर भी हूँ, तो योगा टीचर का जब हम पढ़े थे तो उसमें भी बहुत सारा ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का हमको पढ़ाया गया था, तो उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए मेरा ये नई भोजन प्रथा में ज़्यादा विश्वास था और अभी उसी से ही परिणाम मिल रहे हैं, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा सर, अभी समझो इधर 5 दिन का सेमिनार है, उसमें ये जो रोबोट दिया जाता है, लेकिन बाद में ये सेमिनार ख़त्म होएगा, बाद में सब लोग घर पे अगर ये नहीं बना सकेंगे तो उसके लिए आपने कुछ दिया है? प्रताप जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा ये उठाया है, क्योंकि ये मेरा 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, जितने भी नई भोजन प्रथा के शिविर लोग अटेंड करते हैं तो उसी टाइम पे तो उनको बहुत ही उत्साह होता है, लेकिन जैसे ही वो घर पर जाते हैं तो घर पे ये सब इसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। ये अलग अलग आइटम यहाँ पर जो शिविर में खाते हैं वो घर पर वो लोग बना नहीं पाते हैं और ज़्यादा दिन तक वो फॉलो नहीं कर पाते। तो ये मेरा एक इंजीनियर का जो अभिगम हमेशा रहा है, तो किसी भी समस्या का एक सॉल्यूशन निकालने का रहा है, तो इसीलिए मैंने भी प्रताप भाई ये सॉल्यूशन इसके लिए निकाला। तो हम लोगों ने इसके लिए टिफिन सेवा शुरू किया, तो टिफिन सेवा हमने पिछले 3 महीने से हम कर रहे हैं और उससे बहुत अच्छा हमको प्रतिसाद मिला। हाँ, ये तो क्या है कि समझो उसका फॉलोअप मिलते रहे, उसका जो जरूरत फिलअप हो जाए तो वो कंटिन्यू कोई भी एक कर सकता है। ये तो क्या है कि जैसा हम चार्ज चेंज करते हैं ऐसा वापस नया शिविर आएगा तो आएगा, वापस छूट जाएगा, लेकिन ऐसा आप ये जो भी अभी सेमिनार की है उसका भी आप फॉलोअप लेते रहिए, तो क्या वो एक बार 2-3 महीना कंटिन्यू करेंगे तो बाद में वो अपने आप समझ आ जाएंगे कि करने जैसा क्या है और छोड़ने जैसा क्या है। और आप ये न्यू डाइट सिस्टम कब तक अपना सकते, मतलब कब तक ये जरूर रखना चाहते हैं? नहीं प्रताप भाई, अभी ये तो हमारे जीवन का भाग ही बन गया, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम ये एक कोई थेरापी नहीं है, सही बात है, ये एक जीवन जीने की कला। तो हमको आजीवन अगर तंदुरुस्त रहना है, बीमार नहीं पड़ना है, तो हमारे आयुर्वेद वेलनेस सेंटर से हम जो ये अभियान कर रहे हैं उसमें हम यही टैगलाइन देते हैं सबको, बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन लाइफ टाइम। तो हमको लाइफ टाइम जिंदगी की आखिरी सांस तक अगर तंदुरुस्त रहना है, किसी की सेवा नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, एक दिन मरना तो है, कोई अमर तो है ही नहीं, लेकिन हमको आखिरी सांस तक किसी की सेवा नहीं लेनी पड़े, हम खुद तंदुरुस्त रह सके, तो यही अभिगम हमको करना है। पर इसीलिए ये नई भोजन प्रथा एक ऐसी चीज़ है तो जिसको अपना कर हम ये हासिल कर सकते हैं। तो जहां सर का एक मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो यहाँ बड़ौदा से सुनील भाई और उसका पूरा टीम जुड़ा है और ये सपोर्ट कर रहा है कि चौहान सर का ये जो मिशन है उसको जन जन तक पहुँचाए, तो ऐसा काम अभी बड़ौदा में सुनील भाई कर रहा है। नमस्कार, आपका नंबर जरा दे दीजिए। आप सबको हमारा ये आर्मी वेलनेस सेंटर बड़ोदरा के निज़ामपुरा में पटेल फलिया में है और वहाँ से हम नई भोजन प्रथा का निःशुल्क मार्गदर्शन देते हैं। आपको हमको फोन करके आना पड़ेगा,
तो फ़ोन नंबर मेरा आप नोट कर सकते हैं 9016558304। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ 9016558304। और यहाँ पर हम लोग नई भोजन प्रथा के साथ में मैं गुजरात राज्य योग बोर्ड का सीनियर योग कोच भी हूँ। तो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें निःशुल्क योग टीचर की तालीम देते हैं। जो जो 16 साल के ऊपर के कोई भी लोग जोड़कर उसको योग टीचर बन सकते हैं। तो साथ साथ में हमको दवाई के बगैर की जो दुनिया बनानी है तो उसमें हम योग सुजोग और नई भोजन प्रथा को एक सम्मिलित करके सबको ये परिणाम दे रहे हैं। तो आप सब अपनी किसी भी ऐसी जरूरत के लिए हमारा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।